खुशामदीद बाला खातून। शुक्रिया। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आसानी करे। वालिदा। हाँ। अलाउद्दीन भाई कहीं नजर नहीं आ रहे? एक फर्ज निभा रहा है, हमारे मेहमान की देखभाल कर रहा है। यकीनन गौंजा खातून के पीछे गए होंगे, हो सकता है सरहदी बाजार में हो। चुप हो जाओ। बाला खातून, आप मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा, लेकिन आपका बेटा अलाउद्दीन मेरा हरीफ है। देखो तो जरा। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? रुको, यहीं खड़े रहो। वो सादत खातून हमारे शहजादे अलाउद्दीन को पसंद तो कर नहीं रही, और तुम्हें पसंद करेंगी गाजी? मुझे तो नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन शहजादे को क्यों नहीं दे रही? लड़की के घर वाले कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। खैर होगी, अल्लाह बेहतरी फरमाएगा। अगवा कर लेते हैं, शहजादे से पहले ही अगवा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहादुरी और हिम्मत की जरूरत होती है, इसलिए मैं तो चला। और इन दोनों चीजों की कमी है तुम्हारे पास गाजी? मैं इसे महल ही ले जाती हूँ तो बेहतर रहेगा। वालिदा। हाँ। अगर वो गौंजा खातून का रिश्ता नहीं देंगे तो हम उसे अगवा कर लेंगे। देखेंगे क्या करते हैं, उसे अगवा करेंगे या उसके बाबा की रजामंदी से ले जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, वैसे आपको सास का किरदार अदा करना पड़ेगा। क्या कर लूंगी मैं? बिल्कुल जी, कर लेंगी। चलो चलते हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है? सिपाही पिछले दरवाजे के लिए मेंढा तैयार कर रहे हैं हुजूर। दोपहर के वक्त फौज कूच के लिए तैयार होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब, हमने कल ही बात की है कि किताही के तैकफूर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या इस हमले से हमारे और दूसरे सरदारों के ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचेगा? किताई का वो तकफूर अपनी जुबान की वजह से नहीं बल्कि गद्दारी की वजह से निशाने पर है। क्या हम कुछ जानते हैं जनाब? उसने इजनिक और बुरसा के तकफूरों को सारी सूरत हाल से आगाह किया है, उनसे अहकाम लिए और हमसे मुआहदा करने आ गया। हमारी पीठ में छुरा घोंपे का मौका मिलते ही, और सिर्फ वही नहीं, वो याकूब सरदार भी इत्तेफाक करना चाहेंगे। मैं ऐसी सोच रखने वालों को अपना गुलाम तो क्या, अपनी दहलीज का कुत्ता भी ना बनाऊं। और हाँ, किताई से मिलने वाला माल गनीमत तकफूरों में तकसीम किया जाएगा, ऐसे ही उन सबका मुंह बंद रखा जा सकता है। जो आपका हुक्म। कुछ लोग आ रहे हैं इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम सोलगुरागा। हाय माशाल्लाह। खुश आमदीद, आइए आइए। इस मुबारक जिहाद की राह में आपके पीछे खड़े होने वाले जंगजू शेर लाया हूं अपने साथ। हर एक जंगजू अपने दिल में गाजी बनने की नियत यहां लेकर आया है, जंग के लिए हाजिर है। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्हीं जवानों की वजह से बहुत सी जंगें, बहुत सी लड़ाइयां और बहुत सी फतुहात हासिल करेंगे, गाजी बनकर लौटेंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब इंशाल्लाह। अनूर, हुक्म करें। हम शाम से पहले किताई पहुंच चुके होंगे, अब जाइए तैयारियां मुकम्मल कीजिए। समझे, हो गया। कोई निशान तो छोड़ा होगा उन्होंने। हर तरफ अपनी नजर रखिए खवातीन,
शहजादी को तो हम ढूंढ लेंगे। तो चलिए खवातीन, अच्छी तरह तलाश करें। गुलजे, अलाउद्दीन सरदार के पीछे 2 सिपाही भेजो, उनसे कहो उसका ताकुब करते रहे। जो हुक्म गुंजा खातून। जाओ। चलो। मेरा ताकुब कर रही हो चालाक खातून? मदरसे वाले। खुशामदी चालाक खातून। बहुत ख्याल कर रहे हो शहजादी का, ताकि कोई उस तक पहुंचे नहीं। बताओ मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? याकूब सरदार शहजादी की तलाश में है। खोजियों के हमरा ढूंढ रहे हैं आपको। तुम्हें शहजादी की तलाश है ना? मुझे सब मालूम है चालाक खातून, और जानता था कि तुम यहां जरूर आओगी। सही कहा, शहजादी की तलाश में आई हूं मैं, लेकिन तुम किस लिए आए हो? हाँ? शहजादी को फिक्र हो रही होगी, तो जाइए, उसे परेशान मत करें। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है? चालाक खातून। क्या हो गया? तकलीफ हो रही है तुम्हें? कसूर माफ कर दीजिएगा। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा था। तुम हसद ना करो। वैसे भी मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारी ही राह तकती हैं, और मेरे कान सिर्फ तुम्हारी ही आवाज सुनते हैं। अगर तुम मेरे दिल से पूछो तो वो एक अरसे से तुमसे जुड़ा हुआ है। बहुत भारी हाथ है तुम्हारा चालाक खातून। हमारे फराइज हमें मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा हमेशा होगा, तुम जानते हो ना? नहीं, यह हमेशा नहीं रहेगा। जब हमारी शादी होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर कुछ नहीं बदला और हमारे दरमियान खून बहा तो क्या होगा अलाउद्दीन? सब्र तो रखो, मायूस ना हो ऐसे। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा गुंजा। हमारी शादी जरूर होगी अलाउद्दीन। भाई, भाई, भाई! तुम मेरी बहन से शादी करोगे? भाई, भाई रुक जाए, क्या कर रहे हैं? रुक जाए भाई। चलो, भागो यहाँ से। चलो, चलो। सब के सब काट डालो, सब के घर चला डालो। भागो। हमला। तीरंदाजो, इन्हें मार डालो। सब लोगों की हिफाजत करो, जल्दी। इनमें से कोई भी जिंदा बच के ना जाने पाए। से जो भी उस्मान का साथ देगा वो कुचला जाएगा। ये कबीला तुम्हारी कब्र बनेगा, याद रखो। तुम लोग और तुम्हारे कबीले, हम मंगोलों की तलवारों से नहीं बच सकते।
तुम लोगों के हर कबीले पर हमला शुरू हो चुका है। अब तुम लोग मौत के घाट उतारे जाओगे। मेंढक तैयार है हुजूर। हाँ शुक्रिया। कोनोर। जी हुजूर। तुम महासर की सरबराही करोगे और सीढ़ियों के जरिए दीवार पर चढ़ोगे। मैं बोरान और सिपाही पीछे का दरवाजा तोड़ने के लिए मुड़ जाएंगे और ये मेरे साथ होगा। जनाब, सिपाहियों से खबर आई है, मंगोलों ने ओरा सरदार के कबीले पर हमला कर दिया है। जासूसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर अब हमारे अलावा हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। महासर के हथियार जंगल में ले जाओ, अभी हम कबीले जाएंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की उस्मान का साथ देकर। मंगोल हर जगह छा चुके हैं, कहाँ है तुम्हारा उस्मान? चुप कर बैठा है हा? वो यहाँ नहीं है, लेकिन तुर्क बहादुर तुम्हारे मुकाबले के लिए यहाँ मौजूद है। इस जंग का आगाज मेरे भाई की मौत से हुआ। अब तुम सब मेरे सामने घुटने टेकोगे, और कोई रास्ता नहीं है। हरगिज नहीं। यानी शहर अल्हानी रियासत का मुकाबला नहीं कर सकता। उस्मान ये नहीं जानता कि ये शहर बागियों का है। हाँ उस्मान, तुम्हारे शहर का सफाया कर देंगे। अल्हानी रियासत के बहादुर सिपाहियों, तुमने टैंगरी के दामन में मेरे साथ जंग लड़ी है। हमने मिलकर कितने ही दुश्मनों को घुटने टिकवाए, कितनी आसानी से हमने इनके कलों पर कब्जा किया। अब मंगोलों के सिपाहियों की अजमत और अल्हानी रियासत की ताकत इन सरजमीनों पे दिखाएंगे। और जो शहजादी उस्मान हमारी ले गया है, उसके शहरों से नेस्तो नाबूद कर देंगे और उसके बीवी और बच्चों को मार डालेंगे। जनाब गोरकुलोहान उस्मान कबीले की तरफ जा रहा है। आला, मौत बुला रही है उसकी। तैयार हो गया, चलो चले। यानी शहर पूरी तरह से महफूज है, हम दाखिल कैसे होंगे? पहले उनके लिबासों में दाखिल होंगे। हमारी आवाज उनके लिए मौत का पैगाम साबित होगी। उसी वक्त हमला करेंगे। चलो, हमारी जीत हमारी मुंतजर है। भुया, 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 भुया,
रुके भाई, ऐसा मत पीछे हो जाओ गुंजा भाई। भाई भाई छोड़ दे इसे, अलाउद्दीन अलाउद्दीन। भाई भाई रुक जाए, भाई भाई रुक जाए, भाई रुक जाए, ऐसा मत करे, आपको अल्लाह का वास्ता, ऐसा मत करे, छोड़ दे उसे। छोड़ो मुझे गुंजा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अपनी हद में रहो, कहो जो कहना है तुम्हें। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? अलाउद्दीन नहीं करो ऐसा। भाई भाई रुक जाए, भाई रुक जाए, अलाउद्दीन भाई खुदा के वास्ते रुक जाए, अलाउद्दीन तुम रुक जाओ। मैं गुंजा से मोहब्बत करता हूँ मेहमत, और इसकी हिफाजत करना मुझ पर फर्ज है। अलाउद्दीन भाई क्या कर रहे हैं? अलाउद्दीन तुम रुक जाओ। भाई, भाई नहीं, तुम बीच में मत आओ। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। अल्लाह का सुकून हो जाओ भाई, ऐसा मत करे। पहले मामलात को समझो। कौन जा? नहीं, मैं कहता हूँ हट जाओ। नहीं नहीं लड़े आप लोग। भाई भाई रुक जाए, रुक जाए, अलाउद्दीन तुम रुक जाओ। नहीं भाई ऐसा नहीं करे, सिपाहियों मदद करो। रुकमान किसी को नहीं छोड़ना। नहीं भाई अलाउद्दीन, अलाउद्दीन नहीं भाई। ये तुम गलत कर रहे हो। चुप हो जाओ बस भाई। गुंजा हट जाओ सामने से। नहीं भाई, आ भाई नहीं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे, नहीं गुंजा खातून नहीं। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? तुम मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो मेहमत। गुंजा को जाने दो। नहीं छोड़ो मुझे, तुम्हारा मसला मुझसे है। खुदा का वास्ता भाई रुक जाए। भाई भाई नहीं, भाई छोड़ दे अलाउद्दीन। भाई आप ऐसा नहीं करेंगे, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं भाई नहीं। मैंने कितनी दफा मना किया तुम्हें कि अलाउद्दीन से तुम दूर रहना। नहीं नहीं भाई, भाई रुके भाई। तुम यही चाहती थी ना गुंजा? अलाउद्दीन भाई, भाई अलाउद्दीन नहीं, नहीं भाई नहीं अलाउद्दीन। तुमने हमारे चंगजू और कबीले के लोगों पे हमला किया है, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मंगोल हिसाब नहीं देते। हम फैसला कर चुके हैं, जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको जलाकर राख कर देंगे, एक शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, और खून नहीं बहेगा। मुमकिन नहीं, तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार। उस्मान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुर्कों की आजादी तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। Yeah!
काफिरों को मार ना लो। तब तक अपनी तलवारों से हमला करते रहो, कोई जिंदा ना बचे, कोई नहीं। सिपाहियों, आज मौत हमें नहीं, इन काफिरों को ढूंढेगी। आ जाओ। या, या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ले जा रहे हो तुम? कपड़े हैं जनाब। चलो देखते हैं। ठीक है, जाओ। शुक्रिया भैया। वक्त आ गया, तैयार हो जाओ। गोरखलुहान इस शहर को नेस्तो नाबूद कर देगा। जितने भी करीबी हैं उन सबको मार डालो। हम इस जगह को जहन्नम में बदल देंगे। जहन्नम में।
फातिमा, यहाँ से चली जाओ। मंगोलों ने हम पे हमला किया है और आप मुझे पीछे हटने को कह रही हैं? इनका मुकाबला कर सकती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे ही रहना। जाने दे देंगे लेकिन अपने शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सिपाहियों आ जाए। सिपाहियों, हम मंगोलों को महल के आसपास के इलाकों तक पहुंचने से पहले रोक देंगे। गुरकन, हर जगह दिफाई दीवार बनाओ, छतों पर तीरंदाज तैनात करो। चलो। जो हुक्म आपका सरदार। शाबाश सिपाहियों, चलो चलो। भाई सुंगुरु जनाब, लोग पनागाहों में वापस चले गए हैं। मंगोलों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। सिपाहियों को खबर करो, उन्हें दिफाई हुदूद तक पीछे हटने दो। चलो जल्दी करो। सिपाहियों मेरी बात सुनो, जल्दी आओ। मंगोलों को आज हम इंशाल्लाह अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जब वो दिफाई हुदूद तक पहुंच जाएंगे, उन पर हमला करेंगे और उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। चलो सब लोग काम पे लग जाओ। चलो चलो जल्दी। बाल सुंगुर, क्या हुआ है? खैरियत तो है? हाँ? मंगोल आम लोगों के हुलिये में शहर में दाखिल हो गए हैं। क्या? इसी तरफ आ रहे हैं। पहले हमें लोगों के सामान का तहफ्फुज़ करना होगा, समझ गए? आलगन, मर्द और खवातीन जंगजुओं का बहुत ख्याल रखना है। जख्मियों को यहाँ लेकर आओ। फातिमा से कहो। मालूम खातून, फातिमा बाला खातून के साथ बाजार में है। ये क्या कह रही हो आलगन? सिपाहियों, खवातीन, हम बाजार जाएंगे। मालूम खातून, बाजार पर कब्जा हो चुका है, उन्होंने पूरे इलाके को घेर दिया है। समझो कि तुम जीत गए उस्मान, हम मंगोल तुम्हारा इस जमीन पर रहना दुश्वार कर देंगे। वो जमीन खून से ली है, उनकी हिफाजत भी खून से ही करेंगे। किस किस को बचाओगे उस्मान? सब कुछ खत्म हो चुका और अब तुम्हारी बारी है। आओ करो सामना मेरा। सिपाही तैयार करेंगे, तामीर रो करेंगे, मगर आजादी तुमको से कोई नहीं छीन सकता। आज ये जगह तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी उस्मान। अब तुम्हें यहाँ से आजाद सिर्फ मौत ही करवा सकती है। जाओ।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम तन्हा रह जाए, हम लोग ये सरजमीने कभी किसी को नहीं देंगे। अल्लाह हू अकबर। कसम खाता हूं कि तुम सबको इन सरजमीनों से निकाल बाहर करूंगा। तुमने मेरी कौम पर बहुत जुल्म सितम किया। अगर तुम्हें इन सरजमीनों से ना निकाला मैंने, तो मुझे उस्मान सरदार मत कहना।